हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 जून 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 10 के बारे में। आज की इस वीडियो में आप क्वेश्चंस के साथ साथ भी आंसर कर सकते हैं। आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा। ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस में से, यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर नंबर वन स्टेटमेंट है, ऑल कंट्रीज बिटवीन ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न कैन ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। The primary objective of the alliance is to work for efficient utilization of solar energy to reduce dependence on fossil fuels. यानी कि गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए काम करना है। तो फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें करेक्ट कोड बता सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। और इनमें से जो नंबर वन स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी एग्जाम में एक बार पूछी भी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डैश इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मोग, यानी कि डैश एक द्वितीयक प्रदूषक है जो फोटोकेमिकल स्मोग में मौजूद है। वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ऑप्शन ए पैन, यानी कि पेरोक्सिटल नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज दी बीसीसी फुल फॉर्म इन ईमेल, यानी कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है ईमेल में। वो है ऑप्शन डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, दी अनसॉलिसिटेड एंड जंक मेल्स आर स्टोर्ड इन दिस प्लेस, The lottery mails received by unknown persons are stored here, यानी कि इस स्थान पर अनचाही और जंक मेल संग्रहित है, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्राप्त लॉटरी मेल यहाँ संग्रहित है, तो आपको बताना है वो कौन सा प्लेस है। वो प्लेस है ऑप्शन सी, स्पैम। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, आर्टिकल 21A एंड दी RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन डैश, यानी कि अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम डैश पर लागू हुआ। ये लागू हुआ था ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2010 को, और कब अधिनियमित हुआ था यानी कि कब इनेक्टेड हुआ था, 4 अगस्त 2009 को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A के अंडर क्या है कि भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 इन इंडिया, इसे डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर आपको करेक्ट पेयर गेस करना है। स्टेटमेंट ए है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, पेयर बी है बनारस संस्कृत कॉलेज 1791, पेयर सी फोर्ट विलियम कॉलेज 1800। कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें करेक्ट आंसर बता सकते हैं विद इन 10 सेकंड। इनमें से करेक्ट कोड है कोड नंबर 4। कोड नंबर 4 के अकॉर्डिंग ए बी सी यानी कि ये तीनों पेयर करेक्ट हैं। एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना की गई थी सिविल सर्वेंट सर विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को। देन उसके बाद बनारस संस्कृत कॉलेज, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1791-92 किनके द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के निवासी थे। देन उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकटा, जो एक अकेडमी थी ओरिएंटल स्टडीज के लिए यानी कि प्राच्य अध्ययन के लिए, और सेंटर ऑफ लर्निंग था यानी कि सीखने का केंद्र था। इसे स्थापित किया गया था 10 जुलाई 1800 को, किसके द्वारा, लॉर्ड वेल्सली द्वारा, जो कि उस टाइम गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के,
और कैलकटा के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज, यानी कि एक से अधिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत के जनक कौन है। वो है ऑप्शन डी हार्वर्ड गार्डनर। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज यानी कि एक से अधिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है यानी कि मानव बुद्धि है, उसको विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक तौर तरीकों में विभेदित यानी कि डिफ्रेंशिएट करता है। और हार्वर्ड गार्डनर ने इस मॉडल का प्रस्ताव रखा था जो उनकी बुक पब्लिश हुई थी 1983 में फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इट विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट्स डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट्स थ्रू 32 DTH डायरेक्ट टू होम टेलीविजन चैनल्स विद एम टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। इट विल कवर डाइवर्स डिसिप्लिन्स ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन वेरियस लैंग्वेजेस। इट विल बी अवेलेबल टू ऑल एंड विल बी हैविंग न्यू कंटेंट ऑफ 4 hours टू बी टेलीकास्टेड 6 times a day। यानी कि यह शिक्षा के मानकों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से 32 DTH टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा विकसित उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री प्रदान करेगी। यह विभिन्न भाषाओं में शिक्षा के सभी स्तरों के विविध विषयों को कवर करेगा और दिन में 6 बार टेलीकास्ट होने के लिए 4 घंटों की नई सामग्री होगी। ऐसा किया जाता है ऑप्शन बी स्वयंप्रभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन वेरियस एंशिएंट एंड मेडिएवल टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म डैश ऑफ उपमान एंड देयर वैल्यू इन एपिस्टमोलॉजी आर डिबेटेड। यानी कि हिंदू धर्म के विभिन्न प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथों में डैश के उपनाम और ज्ञान मीमांसा में उनके मूल्यों पर बहस की जाती है। वो है ऑप्शन बी 32 types, यानी कि 32 प्रकार के उपनाम और उनके मूल्य पर चर्चा की जाती है ज्ञान मीमांसा में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज कॉल्ड डैश, यानी कि उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड को सत्यापित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्शन ए ऑथेंटिकेशन, यानी कि प्रमाणीकरण। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से यानी कि 10 questions में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है, आप उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।